फास्ट ट्रैक नहीं, मैं फास्ट ट्रैक से आगे एक बात करूंगी। फास्ट ट्रैक तो निर्भया केस भी था लेकिन 7 साल लगा। फास्ट ट्रैक के साथ टाइम बाउंड होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, मैंने ड्यूरिंग जो भी प्रोसीजर मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई क्राइम होता है तो स्टार्टिंग के जो 24 आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी केस के लिए। अगर वो 24 घंटे में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हो रहा है, मेडिकल नहीं हो रहा है बच्ची का, तो वो केस वीक हो जाता है, एविडेंसेस को टेम्पर कर दिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी पॉलिटिकल जो एम्पावर्ड लोग होते हैं उनका प्रेशर आता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम साइड रखेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जैसे कि आपने शुरुआत ही अपने क्वेश्चन से की कि इतिहास में पहली बार हुआ कि 4 लोगों को फांसी हुई, तो 4 क्या, अगर 100 लोग भी होंगे तो मुझे लगता है उनको भी टांगा ही जाना चाहिए। ये लड़ाई मेल जेंडर के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई हमारी क्राइम के खिलाफ है। और क्राइम से लड़ना भारत की स्त्रियां अब सीख चुकी हैं। 4 को टंगवाया है और को भी टंगवाएंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2021 में लिस्ट होता तो 8 साल हो चुके होते उन लोगों को जेल में, और फिर उनके पास ये अधिकार उनका बन जाता कि उनको फांसी ना दी जाए। इसीलिए जो डिफेंस लॉयर थे वो हमेशा कोशिश करते रहे कि जितना हो सके डिले किया जाए इस केस को, लेकिन फाइनली मेरे पूरे भारत के लोग जो चाह रहे थे, जो निर्भया दुनिया से गई थी और जिस तरीके से महिला पुरुष हर किसी ने आवाज़ उठाई, और वो आवाज़ से मुझे बल मिला। मैं हारी नहीं, लॉ की बारीकियों से लेकर के मीडिया में आकर के एडमिनिस्ट्रेशन को जहां पर भी जो भी खामियां थी हमने आवाज़ उठाई और हमारी निर्भया को जस्टिस मिला। आप निर्भया केस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जी मैम, देखिए जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है और उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, इससे हम सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा तब मैं निर्भया को जस्टिस दिला पाई। उनके पेरेंट्स को आपने देखा लगातार वो अपनी बेटी के लिए संघर्ष करते रहे जबकि वो लोग बीमार भी रहे। मेरा जो संघर्ष था मैं कहूँगी कि सैल्यूट करूँगी मैं छाया शर्मा जो DCP स्टार्टिंग में इस केस को हैंडल किया, उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, उनकी प्रॉपर अरेस्टिंग हुई थी, सारे फॉरेंसिक जो एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए थे, इसलिए मेरे लिए केस थोड़ा सा आसान हो गया। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल था कि हम निर्भया को जस्टिस दिला पाए। पूरी कोशिश की, आप सभी ने देखा कि इनको फांसी ना हो। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को जो रेप मैटर में फांसी हुई थी उसके बाद भारत में किसी को भी फांसी नहीं दी गई। रेप एंड मर्डर में किसी को फांसी नहीं दी गई है, टेररिस्ट को फांसी दी गई। और मैंने जब नोटिस किया ये केस के दौरान कि मेरे भारत में फांसी की सजा सुना देना अकॉर्डिंग टू लॉ तो प्रोविजन है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं कि हम फांसी की सजा को भारत से समाप्त करेंगे, UN चार्टर में जो भारत ने दस्तखत भले ही नहीं किए लेकिन जो मोटिव है हमारा वो ये है कि हम फांसी की सजा का प्रावधान जो IPC में है उसके तहत हम फांसी की सजा सुनाई देंगे। IG के द्वारा केस को आगे बढ़ाया गया। केस जब SP कार्यालय तक पहुँचता है, जो भी लेटर IG साहब के यहाँ से जाता है वहाँ दबा दिया जाता है। वहाँ के जो रीडर साहब हैं, SP कार्यालय के बाबू हैं, वो सारे लेटर को जब्त करते हैं अपने पास और कहीं आगे उस पर कार्रवाई नहीं, कार्रवाई करने के लिए पैसे की मांग करते हैं। और कार्यालय में बोलने पर कि जो लेटर निकला IG साहब के यहाँ से उसका मेरे पास में एक कॉपी है, तब जाके वो कहते हैं कि होगा भी तो पैसा खर्च करेंगे तभी इस लेटर के आगे काम होगा, और आप लोग बाहर निकलिए। घुस कैसे गए मेरे कार्यालय में, धक्का देकर बाहर निकलने के लिए। कौन सा जिला के SP कही है आपके? वैशाली हाजीपुर के SP साहब का कार्यालय की ये घटना बता रहे हैं। सारे कागज जितने भी कार्रवाई के लिए IG साहब के यहाँ से लेटर निकलता है सबको उनके यहाँ दबा दिया जाता है। बड़ी मोटी रकम लेकर इस केस में वहाँ पे SP अभी कौन है नहीं मालूम, इसके पहले अभी गौरव मंगला है उसके द्वारा घेराव भी उनका किया गया था एक बार लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की उसके बाद। ये FIR भी किए, ये
बरामद भी हुआ जिसके नाम से FIR किए, डेढ़ महीना हो गया बरामद अपहरण करने वाला, और अभी तक उसका कोई जिंदा मुर्दा का ये प्रशासन ये नहीं दे रहे हैं कि हाँ ये लड़की जिंदा है ये मुर्दा है, जबकि हम ये बता रहे हैं कि उनको मान लीजिए हमारी बच्ची अब नहीं है, हमारा ये एक एक्सीडेंट फोटो दिखाया ये किए और बोले कि ये पत्रकार के माध्यम से पता चला कि ये प्रशासन कहते हैं अभी हम क्या माने हैं जब तक हमको सबूत नहीं मिल जाए, लेकिन हम उसके कपड़ा से ये से पहचान रहे हैं कि ये मेरी बच्ची की है, उसके बाद भी ये हमको प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि हाँ बच्ची आपकी अभी ये है, और मान लीजिए इसका केस मान ली जाए मर्डर केस ये नहीं बना रहे हैं और हम लोग को साजिश के तहत घसीट रहे हैं और कोई सहायता नहीं मिल रहा प्रशासन से, कोर्ट भी जा रहे हैं कहीं से कोई केस संख्या 266 संगीता हत्या कांड में मार टांग दिया गया, मार के टांगने के बाद सारे घर वाले भाग चुके हैं, सब कुछ हुआ लेकिन आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई। DGP कार्यालय से बार बार इतनी वाली माइंडेड चिट्ठियाँ भी निकल चुकी है, SP क्या भी गया सब कुछ हुआ लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिल सका। महिला विकास मंच के द्वारा बार बार मैंने प्रयास किया जा रहा है अरेस्टिंग का, कुछ भी नहीं हो पा रही है आज तक। कब की घटना है ये? कब की घटना है? यह घटना 16 मई 2019 की और उसकी शादी 25 जनवरी 2019 की थी, 3 जुलाई 21 में उसकी हत्या कर दी गई। लगातार मांग क्या करते हैं? मांग था गाड़ी दिया जाए अल्टो कार। पूरा डिटेल बताइए, आपकी बच्ची की शादी हुई जनवरी में, जनवरी 25 जनवरी जो भी हो, और उसकी हत्या हो गई 25 मई को, 16 मई को। क्या ससुराल वालों के द्वारा मैंने आपको शक किस पर है? ससुराल वाले लड़के हैं, उसके फादर हैं, उसकी माँ है, उसके भाई हैं, सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में सारी कांड। शादी के बाद किस तरह की प्रताड़ना आपको शिकायत मिल रही थी? गाड़ी के लिए शिकायत में दोबारा में फ्रीज दिया गया, वॉशिंग मशीन दिया गया था, 28 अप्रैल को सारे सामान दोबारा में दी गई थी, फिर भी उसके बाद भी गाड़ी की डिमांड थी, सिलाई मशीन सारी कुछ, यहाँ तक कि जो गद्दा दिया गया था उस गद्दा को दोबारा भी दिया गया, फिर भी। कहाँ शादी की हुई थी? महुआ सिंह राय,